Hey guys, this is Priyanka Chahar Chaudhary and you're watching Connect FM Canada with Faridun. Stay connected. इतने सालों से सलमान सर को हम देख रहे हैं, बहुत ही रेयरली वो किसी किसी आई थिंक कंटेस्टेंट से इम्प्रेस होते हैं। तो होता है ना, कई बार आपका फेवरेट स्टूडेंट होता है, लेकिन क्योंकि वो कुछ भी गलत ना करे या कुछ भी जहां पे भी वो गलत पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह से मुझे सलमान सर ने समझाया, बहुत समझाया है, और शायद से मैंने उनकी बातों पे अमल काफी किया है, और शायद से सलमान सर भी ये बात देख रहे होंगे कि हाँ, चेंजेस आए हैं लड़की में. सो आई थिंक मे बी इसलिए कि हाँ, ठीक है, गुड स्टूडेंट. डंकी इज वन फिल्म दैट यू मे पॉसिबली बी अ पार्ट ऑफ। हैव यू सीन पठान? पठान देखी आपने? नहीं देखी यार, अभी तक नहीं देखी. शाहरुख खान के साथ में अगर किसी फिल्म में कोई कोई एक्ट्रेस अगर अगर आ पाए तो आई थिंक ये तो एक बहुत 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 बड़ा ख्वाब होगा किसी के लिए भी। इनफैक्ट सिर्फ पठान से ही नहीं, मतलब ही शाहरुख खान, आई मीन उनके साथ काम करने का अगर मौका मिले तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है. आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स के रूमर्स सच हो. प्रियंका, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फरीदून, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आई थिंक मेरे ख्याल से हर कोई आपसे पूछ रहा है कि दैट इस गैर मामूली पॉपुलैरिटी को आप कैसे आप टैकल कर रही हैं, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा कुछ अलग होगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि दैट ये एक अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना और एक सर्टन प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज ना करना, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आई थिंक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे बचपन से ही ना पापा ने कुछ चीजें सिखाई है मुझे कि मतलब कुछ प्रिंसिपल्स आपके लाइफ में होने ही चाहिए, जो आप आई थिंक आपको डिसिप्लिन बनाते हैं. तो आई थिंक मैं अपना डिसिप्लिन कभी नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए मैं कुछ मेरी लाइफ के प्रिंसिपल्स रखती हूँ, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. नाउ इतने सालों से सलमान सर को हम देख रहे हैं, बहुत ही रेयरली वो किसी किसी आई थिंक कंटेस्टेंट से इम्प्रेस होते हैं। व्हाट डू यू थिंक? एंड यू नो ही इज नॉट मेरी चार्म्ड, ही रियली रिस्पेक्ट्स यू एज अ पर्सन एंड यू आर सो यंग। व्हाट डू यू थिंक ही हैज सीन इन यू दैट 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 ही इज हैविंग दीज सॉर्ट ऑफ सेंटीमेंट्स? आई थिंक सलमान सर ने शायद इसमें सबसे ज्यादा डांट मुझे पड़ी है सलमान सर से. तो होता है ना, कई बार आपका फेवरेट स्टूडेंट होता है, लेकिन क्योंकि वो कुछ भी गलत ना करे या कुछ भी जहाँ पे भी वो गलत पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह से मुझे सलमान सर ने समझाया, बहुत समझाया है, और शायद से मैंने उनकी बातों पर अमल काफी किया है, मतलब जो गाइडलाइंस उन्होंने मुझे दी उनको मैंने समझा और उन पर अमल किया, उन बातों को मतलब ऐसे ही नहीं टाल दिया कि नहीं मैं सही हूँ या करके. अगर मेरी कोई भी चीज उन्होंने बताई, उस चीज को मैंने कभी, उस चीज के लिए मैं कभी ऑफेंसिव नहीं हुई कि मुझे क्यों हर बार टोक रहे हैं, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं वो मेरा अच्छा ही चाहते होंगे. और शायद से सलमान सर भी ये बात देख रहे होंगे कि हाँ, चेंजेस आए हैं लड़की में. सो आई थिंक मे बी इसलिए कि हाँ, ठीक है, गुड स्टूडेंट. ऑल राइट, सो मैं आपके इंटरव्यूज में आपके देख रहा था, तो जनरली आपसे यू आर बिंग आस्ड अबाउट वेरियस पीपल एंड 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 पर्सनैलिटीज़। कौन सा ऐसा तजुर्बा आपका बिग बॉस का है जो जिसके बारे में अब तक किसी ने आपसे नहीं पूछा और आप उसके बारे में बात करना चाहती हैं? आई थिंक बिग बॉस की मैं ज्यादा अभी बात करना ही नहीं चाहती हूँ. हम्म। बिग बॉस इतना ज्यादा हो गया ना कि मुझे लग रहा है कि अंदर तो मैं एक बिग बॉस करके आई हूँ, बाहर आके भी एक बिग बॉस शुरू हो रहा है, इट्स लाइक दैट. बट तजुर्बे की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली काफी तजुर्बे वहां पर रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छी जर्नी थी मेरी, आई वुड से. लेकिन ऐसा कुछ पर्टिकुलर तजुर्बा नहीं है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँ या कुछ ऐसा. आई मीन सब कुछ एक लेसन की तरह था मेरे लिए. नाउ अब जैसे ये चीज़ सामने आ रही है कि दैट आई थिंक डंकी इज वन फिल्म दैट यू मे पॉसिबली बी अ पार्ट ऑफ। सो हैव यू सीन पठान? पठान देखी आपने? नहीं देखी यार, अभी तक नहीं देखी. लेकिन शाहरुख खान के साथ में अगर किसी फिल्म में कोई कोई एक्ट्रेस अगर अगर आ पाए तो आई थिंक ये तो एक बहुत 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 बड़ा ख्वाब होगा किसी के लिए भी, स्पेशली जिस तरीके की कामयाबी उन्होंने अभी रिसेंटली देखी है। ऑफ कोर्स, और इनफैक्ट सिर्फ पठान से ही नहीं, मतलब ही शाहरुख खान, आई मीन उनके साथ काम करने का अगर मौका मिले तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है. बट फरीदुन ट्रस्ट मी, मतलब मुझे एज सच अभी तक कोई कॉल वॉल आया नहीं है, ये सिर्फ अभी तक बात ही फैली हुई है जो कि मुझ तक भी पहुंची है मीडिया के थ्रू. मतलब फिनाले से बाहर आते मुझसे सब यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट आई हैव नो क्लू अबाउट इट, क्योंकि मेरे पास अभी तक ऐसा कुछ कॉल आया नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं है. आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स के रूमर्स सच हो. बट हैव यू मेट राजू सर? नो 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 नो, आई डिडंट मीट हिम. वो भी एक बात फैलाई थी कि राजू हिरानी से मिल रहे हैं. नो 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 नो, नहीं मिली मैं राजू सर से अभी तक. आई एम ओके, टेलिंग यू, मुझे कुछ कॉल मुझे नहीं आया अभी तक. मुझे एक जो बहुत बहुत आई थिंक अपीलिंग बात लगी कि यूजुअली क्या होता है कि बिग बॉस से आने के बाद में, स्पेशली अगर आप इत्तेफाक से जैसे बहुत करीब आप आ जाएं जीतने के, और अगर
आप नहीं जीत पाए तो पीपल दे एंड अप टर्निंग बिटर, बट यू नो आपके अंदर एक वो बिटरनेस का एलिमेंट नहीं है। ये आई थिंक ना मतलब स्टार्टिंग से ही है जो हमें घर पे सिखाया गया है कि आपको जो सलमान सर ने भी जो बात कही थी, और ये हमेशा थॉट मेरा रहता है, और जब मैंने सलमान सर के मुंह से भी वो बात सुनी, आई वाज लाइक एग्जैक्टली कि आपको जीत, अगर आपको हार संभालनी आती है ना तो ही आपको शायद जीत मिलेगी और जीत संभालनी भी आएगी. तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, अगर मैं हार भी गई तो इट्स फाइन. आई मीन हार जीत तो लगी रहती है, किसी एक ने ही जीतना है और किसी एक ने हारना है तो इट्स टोटली ओके, कि जरूरी नहीं है वो जीत मेरी ही हो. बट आप हार के भी मुस्कुराते हुए जो जीता है उसकी खुशी में शामिल हो सकते हो. दैट्स व्हाट आई फील, और इनफैक्ट यही मुझे बचपन से सिखाया गया है, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स में भी थी, तो आई एम ए नेशनल प्लेयर, तो इट्स टोटली फाइन आई गेस. मेरे अंदर ये है चीज. दिस इज तुष फ्रॉम दिल्ली, और वो कह रहे हैं कि योर केमिस्ट्री विद कार्तिक आर्यन इज सो गुड, वी सॉ आवरसेल्व्स इन बिग बॉस, एनी प्लान्स और डिजायर टू वर्क टुगेदर ऑन स्क्रीन? विद कार्तिक आर्यन डेफिनेटली, आई मीन मेरे को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि दैट यू लुक ग्रेट विद कार्तिक आर्यन, वी लव योर परफॉर्मेंस विद हिम एंड एवरीथिंग, एंड ही इज अ क्यूट लुकिंग गाय यार. तो अगर ऐसा कुछ होता है फ्यूचर में, डेफिनेटली आई वुड लव टू वर्क विद हिम. दिस इज रिया फ्रॉम जयपुर, वॉट वुड बी अ गुड थीम सॉन्ग फॉर योर लाइफ? व्हाट शुड आई से, लाइक सॉन्ग कौन सा मुझे मतलब मेरी लाइफ को डिस्क्राइब कर सकता है? आई थिंक दैट वन यूं ही कट कुछ है, लाइक समथिंग मंजिल का कुछ ऐसा ऐसा. लाइक ऑल राइट, एग्जैक्टली सॉन्ग ओके, मेरे दिमाग में भी नहीं आएगा, बट डेफिनेटली अगर आया तो मैं बताती हूँ. दिस इज सिया फ्रॉम उड़ीसा, डोंट यू थिंक यू आर समटाइम्स टू गुड टू बी ट्रू? आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड अबाउट नॉट होल्डिंग ग्रजेस इन लाइफ, बट डोंट यू थिंक सम पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ योर नाइसनेस टू, विच वी आर क्लियरली ऑब्जर्विंग इवन आउटसाइड? मे बी फरीदून, आई एम समबडी हु एक्चुअली डजंट लाइक होल्ड ग्रजेस और समथिंग, क्योंकि मैं ना अपने दिल में इतना भार लेकर चल नहीं सकती. डेफिनेटली हो सकता है कि इतना लाइटली आपको नहीं लेनी चाहिए, बट विद मी देर इज अ डिफरेंट केस. आई एम लाइक मैं अपनी लाइफ को बहुत ही स्मूथ लेकर चलना चाहती हूँ, सो आई एम जस्ट लाइक दैट कि आई डोंट होल्ड ग्रजेस. ऑलरेडी लाइफ में इतना कुछ करना है, उसका टेंशन लेंगे, क्यों हम ग्रजेस होल्ड करके भार लेकर दिल पर चले. सो इट्स वेरी क्लियर, मतलब पॉजिटिवली मैं चीजों को लेकर जाती हूँ, एंड आई एम लाइक कि लाइफ एक लाइफ दी है भगवान ने, एंजॉय करते हुए चलो. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. All right, this is Madzi from Bangalore. She has become a crush of many after Big Boss. Is she really single like she claims to be? Yes, I am happily single but not ready to mingle for now. I want to focus on my work. So yes, happily single. ये एक कहावत, एक बहुत एक मशहूर फिल्म में एक कहावत थी कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होते। हाँ, ये मुझे तो भी पहले ही लगता था, अंकित से मिलने से पहले ऐसे ही लगता था कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन मिलने के बाद लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक लड़का और लड़की बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं. लुक एट प्रियंकित. उनके जाने पर आपके आंसू निकल आए, आपके ना जीतने पर उनके आंसू निकल आए, कुछ तो मेरे ख्याल से आग लगी हुई है, मेरे ख्याल से, जिसको आप ये एक्सेप्ट नहीं कर फरीदुनी पाए। हमारा, ये हमारा कनेक्शन है और ये हमारा वो बॉन्ड है जो आई थिंक इनसेपरेबल है. मतलब ये एक अलग बॉन्ड है, इट्स लाइक ही इज लाइक फैमिली टू मी, आई स्वेयर. ये धीरे धीरे ये बॉन्ड बिल्ड हुआ है, ऐसा नहीं कि अचानक से हम इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे. तो धीरे धीरे ये जो बॉन्ड है ये बिल्ड हुआ है, और आई थिंक नाउ वी आर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि हम लोग, वी डोंट हैव लाइक जेंडर नहीं है हम दोनों के बीच में कि लड़का है या लड़की है. वी आर फ्रेंड्स एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वी आर सो कंफर्टेबल विद ईच अदर कि लोगों को लगता है नहीं ये लोग तो डेट ही करेंगे, बट नो, नथिंग लाइक दैट, वी आर फ्रेंड्स. एक और मशहूर फिल्म में एक ये भी डायलॉग है कि मोहब्बत दोस्ती है, अच्छा प्यार दोस्ती है? नहीं, प्यार दोस्ती हाँ है। दोस्ती में भी तो कितना प्यार होता है. ओह माय गॉड। ऑलराइट, दिस इज अक्षय अक्षय तलवार फ्रॉम दिल्ली। हैज शी गॉन थ्रू द प्रियंकित टैग ऑन ट्विटर रिसेंटली? व्हेन हैज शी सीन फैन एडिट्स ऑफ प्रियंकित रीयूनियन एंड देयर मोमेंट्स फ्रॉम बीबी फिनाले? व्हाट डज शी फील अबाउट इट? यस आई डिड एंड डेफिनेटली आई फील ग्रेट अबाउट इट कि एक्चुअली प्रियंकित को जितना प्यार मिला है ना, मतलब प्रियंकित फैंस जितने भी हैं उन सभी को मैं एक्चुअली थैंक्स कहना चाहूंगी. बहुत ज्यादा प्यार दिया है और इतने प्यारे एडिट्स बनाते हैं ना, मैंने ऑलमोस्ट सब देखे हैं एडिट्स. जब भी रात को सोने से पहले 1 घंटा मेरा वही जाता है एडिट्स देखने में, तो ऑलमोस्ट मतलब मैं प्रियंकित फैंस के सारे एडिट्स देखती हूँ, एंड ब्यूटीफुल एडिट्स, एंड इट फील्स ग्रेट. या
थैंक्स टू प्रियंकित फैंस। ऑल राइट, दिस इज वंशिका फ्रॉम बैंगलोर। एट वन पॉइंट इन योर जर्नी यू फेल्ट लाइक यू वर द विलेन इन द हाउस, बट नाउ दैट यू हैव कम आउट एंड रिसीव्ड लॉट्स ऑफ लव, हाउ डिफरेंट डज इट फील? आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी गट फीलिंग अंदर भी थी कि लोग मुझे इतना ऐसे वैम्प की तरह नहीं देख रहे होंगे, विलन की तरह नहीं देख रहे होंगे। वो गट फीलिंग थी, अपने ऊपर भरोसा था कि नो। तो जब मैं बाहर भी आई, आई वॉज सो सरप्राइज एक्चुअली। वो गट फीलिंग होते हुए भी आई वॉज लाइक, इतना सारा प्यार, इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था। मतलब चेंज हो गया सब कुछ। जैसे मैं छोड़ के गई थी बाहर माहौल, और जब मैं अंदर गई, अंदर से फिर मैं जब बाहर आई, मैंने देखा कि ओ गॉड, सब कुछ बदल गया है। सो ऑल थैंक्स टू हिम एंड द पीपल हु लव मी अ लॉट लाइक दे डू। सो थैंक्स टू देम। दिस इज रेशमा फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आर यू डूइंग डंकी विद SRK एंड नागिन 7 इन योर कमबैक शो आफ्टर सक्सेसफुल स्टिंट इन BB16? रेशमा को मैं बताना चाहूंगी और सभी को बताना चाहूंगी कि अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन किसी चीज का नहीं है। जैसे कुछ कंफर्मेशन आएगा, सबके पास जल्दी पहुंच जाएगी न्यूज। आकाश फ्रॉम दिल्ली, डू यू नो अबाउट द मेजर मिसिंग इंस्टा पोस्ट विच अंकित रैंडमली पोस्टेड फॉर यू वन नाइट एंड देन डिलीटेड इट? Also, in one recent interview, Ankit has hinted that he would be ready for marriage. What is your reaction? ओ, ये इंटरव्यू मैंने क्यों नहीं देखा? बिकॉज ही इज समबडी हु इज लाइक अगेंस्ट मैरिज थिंग। ही इज लाइक He doesn't believe and it's all right, I guess, if he does. तो अगर ऐसा कुछ है तो I'm gonna talk to him कि भाई तेरे विचार कैसे बदल गए। और जो अगर इंस्टा पोस्ट की बात करें तो मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। मैं ये भी पूछूंगी मेजर मिसिंग हैपनिंग किसको याद कर रहा है। डेफिनेटली आई'ल आस्क, आई हैव नो आइडिया किसके लिए डाला है, कोई नाम नहीं डाला होगा आई एम श्योर। दिस इज आस्था फ्रॉम रांची। हाई प्रियंका, हाउ डिड यू फील वर्किंग इन अ जर्मन शो? हाउ वॉज यू एक्सपीरियंस विद देम? ऑल्सो वी रियली रियली लव यू। सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो जर्मन मूवी शायद मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट थी एक्टिंग में। फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो एक्टिंग में, तो इट वॉज ग्रेट। और जो उसके डायरेक्टर थे माइकल, ही वॉज अमेजिंग एंड ही गाइडेड मी अ लॉट, बहुत सारी चीजें सिखाई। सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। रंगत फ्रॉम नैनीताल, प्लीज आस्क हर व्हाट इज हर इनर स्ट्रेंथ दैट हेल्प्स हर होल्डिंग सच अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी? हाउ कैन शी ग्रैब ऑल द आई बॉल्स एंड वॉट इज हर फैक्टर फॉर शाइनिंग ब्राइटर देन एनी वन? दिस इज अदिति फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश एक्चुअली। सो बेसिकली पॉजिटिविटी वाला जो थिंग है, लाइक लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी, बट फरीदुन इट्स वेरी इजी, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी, इट्स ऑल हियर। आप किसी भी साइड का ना बेस्ट और वर्स्ट साइड देख लो, दोनों के लिए प्रिपेयर रहो एंड लाइफ वुड बी इजी। आई मीन दोनों के लिए अगर आप प्रिपेयर हो तो किसी सिचुएशन में ऐसे प्रॉब्लम भी नहीं आएगा आपको, और आप अपनी लाइफ में इजिली आई थिंक मूव ऑन कर सकते हो। देर इज अ बुक कॉल्ड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मैंने वो बुक पढ़ी थी फरीदुन, उसके बाद से ना मतलब आई थिंक मेरा नजरिया ही बदल गया है टुवर्ड्स एवरीथिंग। सो आई नो दैट एवरीथिंग इज हियर। आप किस चीज से कैसे डील करते हो, कौन से सिचुएशन को कैसे फेस करते हो, इट्स ऑल हियर। आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा फील करना चाहते हो, इट्स ऑल हियर। ये आपके हाथों में, मतलब ये आप ही के हाथों में। तो आई थिंक बहुत इजी है फॉर मी, इट्स वेरी इजी। आई थिंक बना लिया है मैंने अपने आप को वैसा। Okay, this is Manas from Gujarat. If you could be a character in any movie, which character would you be and why? आई थिंक आई वुड लव टू डू, जैसे पद्मावत मूवी है उसमें जो पद्मावती का कैरेक्टर था, दैट जौहर वाला सीन, इट गिव्स मी गूज बम्प्स एंड आई लव इट। People have equated you with Deepika as well. So do you like Deepika? आई लव दीपिका एंड आई डोंट थिंक, मतलब मेरे को उनके साथ कैसे मत ही कंपेयर करो, बिकॉज शी इज लाइक ऑन डिफरेंट लेवल यार। मतलब आई मीन शी इज दीपिका पादुकोण, कम ऑन, आई लव हर। Ira from Pakistan, she was the most targeted and was continuously being bashed. So how did she handle her mental health? अगेन इट्स सेम, इट्स ऑल हियर। आप कैसे डील करते हो, कैसे नहीं करते हो, आप अपने आप को खुद समझा सकते हो। बुरा लगता है कि बैक टू बैक, जैसे मेरी क्लास लग रही थी, सलमान सर डांट रहे थे और बैक टू बैक वीकेंड के बारे में यही हो रहा था। बट ट्रस्ट मी, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, हर वीकेंड के बारे में आई यूज टू गेट रेडी कि मेरी क्लास लगेगी, तो आई वॉज प्रिपेयर फॉर दिस। तो शायद से मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मैं हमेशा सोचती थी शायद ये मेरे अच्छे के लिए तो बोल रहे हैं ना, इट्स फाइन, बोल रहे हैं आपको, सब आपके आसपास बैठ के मजाक बनाएंगे शायद उस चीज का। बट
हाउ डज इट इवन मैटर, आप उनका मुंह बंद कर सकते हो, यू बी लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सलमान सर मुझे डांट रहे हैं, आई एम हैप्पी, वो मेरे को कुछ समझा रहे हैं, मतलब सलमान खान अगर मेरे लिए इतना टाइम निकाल रहा है मुझे डांट कर समझाने की कोशिश कर रहा है, व्हाट एल्स यू वांट, तो आई ऑलवेज चूज द पॉजिटिव साइड इंस्टेड ऑफ उस चीज के बारे में सोचते रहना, बुरा फील करना, क्यों मैं अपना 1-2 घंटा बर्बाद करूँ बुरा फील करके, सो इट्स लाइक हैप्पी रहे उस चीज का पॉजिटिव साइड देख. ओके, दिस इज भावना फ्रॉम दिल्ली. व्हाट डू यू वांट टू डू राइट नाउ? टीवी, ओटीटी और मूवीज? आई थिंक आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर माई सेल्फ मोर, सो डेफिनेटली ओटीटी और मूवीज के लिए आई एम डेफिनेटली ओपन, और ऐसा नहीं है कि टीवी से मैं फिर दूर हट जाऊंगी, नो, क्योंकि टीवी से ही आई थिंक जो मुझे मिला है अभी तक वो टीवी से मिला है, सो डेफिनेटली टीवी पे भी ऐसा मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिली या कुछ कैरेक्टर मुझे ऐसा लगा, सो डेफिनेटली टीवी वर्ड. भावना फ्रॉम इंदौर. व्हेन शी इज गोइंग टू डू माई ग्लैम एड शूट विद श्रद्धा कपूर? इवन आई एम वेटिंग फॉर दैट, माय ग्लैम का ऐड करना है, अभी कॉल नहीं आया है, मे बी अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है, तो आने दो कॉल, देन मे बी डेफिनेटली जल्दी होगा. दिस इज याफी फ्रॉम यूएसए. YAHPHIE, हाउएवर सो इट्स प्रोनाउंस. वॉट इज योर ड्रीम रोल? वॉट काइंड ऑफ कैरेक्टर डू यू थिंक वुड शो केस योर एक्टिंग द बेस्ट? आई थिंक अगेन वो सेम जो रामलीला में लीला ने किया है ना, लाइक स्ट्रॉन्ग लेडी एंड अलग चलने वाली, कानून को बदलने वाली, दैट काइंड ऑफ गर्ल कैरेक्टर. दिस इज मानसी फ्रॉम ओमान. डू यू इंजॉय वी लॉगिंग? वुड यू रीस्टार्ट इट वंस यू आर सेटल्ड इन मुंबई? ऑनेस्टली बताऊं मतलब अभी तो फिलहाल मुझे इतना टाइम मिल नहीं पा रहा है, बट डेफिनेटली जैसे थोड़ा टाइम लगेगा आई वुड लव टू डू इट अगेन, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा ब्रेक पे चल रहा है व्लॉगिंग मेरा, बट डेफिनेटली एक बार सेटल डाउन हो जाऊं मुंबई में देन कुछ टाइम दूंगी मैं उधर भी. दिस इज रूबी फ्रॉम म्यूनिक, जर्मनी. व्हेन कैन वी सी अ जॉइंट लाइव विद यू एंड अंकित गुप्ता? मे बी सून, लाइक सुपर ओके, सो सून. दैट्स अ ब्रेकिंग न्यूज. दैट्स अ ब्रेकिंग न्यूज. दैट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. ऑल राइट, दिस इज प्रकाश फ्रॉम आसाम. इन बीबी एवरीवन जज्ड हर फॉर हर लुक्स, हर वॉइस, हर स्टैंड, हर स्माइल, हर ओपिनियंस, बट शी नेवर जस्टिफाइड हर सेल्फ. वाई शी इज सो कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव? फरीदुन, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा से आई मीन ऐसी हूँ कि मैं कभी ज्यादा जस्टिफिकेशन में बिलीव नहीं करती, बिकॉज आई नो मैं कुछ भी कर रही हूँ मैं यहाँ से कर रही हूँ, मैं किसी का बुरा चाहते हुए नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के लिए गलत सोच के नहीं कर रही हूँ, तो ही इज देयर वॉचिंग मी, अगर मैं अपने अंदर से सही हूँ और मैं कोई चीज सही कर रही हूँ तो मुझे उस चीज का जस्टिफिकेशन आई थिंक देने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं कि कभी भी देने की जरूरत नहीं होती, ऑफकोर्स देने की जरूरत भी पड़ती है आपको कई बार, तो जिस मोमेंट पे लगता है उस मोमेंट पे मैं जरूर देना दे जस्टिफिकेशन देती हूँ, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि ठीक है ग्रेट, शायद से अलग सोच भी हो सकती है, इट्स लाइक दैट, ठीक है. ग्रेट. दिस इज रिया फ्रॉम जयपुर. हाउ डू यू डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 5 वर्ड्स? इन 5 वर्ड्स, पॉजिटिव, अमेजिंग, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड वन, एक और क्या आप बताओ फिर, दोनों एक मेरे को दो. ग्रेसफुल. हाँ, नाइस, थैंक यू. सो ये इनका नाम इसमें नहीं है, बट ये सवाल इनका अच्छा है. देर हैव बीन मेनी सेकेंड रनर अप्स, बट सलमान सर नेवर अप्रिशिएटेड देम लाइक यू इन ग्रैंड फिनाले. फॉर हिम यू आर अ विनर, एंड फॉर मेनी इवन दो एवरीथिंग इज ओवर एंड स्टिल, डू यू थिंक यू वर द मोस्ट डिजर्विंग विनर ऑफ BB16? वॉट से ट्रॉफी डिजर्व्स समथिंग बेटर? मे बी एंड थैंक यू सो मच, ये एक्चुअली मैं भी इस चीज के लिए बहुत ही ग्रेटफुल फील करती हूँ कि सलमान सर ने मेरे लिए इतने प्यारे गोल्डन वर्ड्स बोले हैं, एंड आई थिंक जब उन्होंने ये सब कहा था ना फरीदून, मुझे वही लग गया था कि यही तो मेरी जीत है, मतलब सलमान सर के मुंह से जिन्होंने पूरे सीजन में मुझे ऑलमोस्ट डांटा है, नाउ ही इज लाइक ही शी इज द विनर मेरी नजर, आई एम लाइक थैंक यू, व्हाट एल्स यू वांट इन योर लाइफ. प्रियंका, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको जब भी टाइम मिले तो आप #PriyankaChaharWithFaridoon ट्विटर पर प्लीज़ ज़रूर देखिएगा. अब मैंने बहुत ही कम में सवाल ले पाया हूँ. देर आर थाउजेंड्स ऑफ देम एंड दे आर अमेजिंग क्वेश्चंस. सो प्लीज़ डू गो थ्रू थ्रू दोज क्वेश्चंस वेन एवर यू फाइंड टाइम. डन, #PriyankaChaharWithFaridoon, राइट. हाँ जी. How will you sum up your journey, a Big Boss journey, in a hashtag? #rollercoaster राइट. If you have a question for Deepika Padukone that you always wanted to ask, what will you ask her? How you're so poised and like what is this? I mean, I've never seen a lady with such class. मतलब she is like full of class.
एंड पॉइज्ड, सो आई एम गोना आस्क कि हाउ डू यू डू दैट. इवन शी इज वेरी सटल, सटल एंड प्लस लाइक आई मीन देयर इज समथिंग आई वांट टू आस्क अबाउट क्लास. What about her airport looks? ओ माय गॉड आई लव इट. सो बेसिकली मैं अपनी टीम को यही कह रही हूँ कि मुझे प्लीज लुक एट दीपिका और मे बी केंडल जेनर, एयरपोर्ट लुक्स वैसे चाहिए. If you get an audience with Salman Khan and you have 30 seconds, what will you tell Salman Khan that you always wanted to? थैंक्स से माई मे बी येस डेफिनेटली सर, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी एवरीवेयर. शायद उनकी राह पर जो उन्होंने राह मुझे दिखाई उस पर मैं चली और मेरे लिए बहुत ही अच्छा वर्क किया एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम. सो आई एम गोना बी लाइक थैंकफुल टू हिम. If you can describe your experience of being in the Big Boss house with following people, how will you sum it up? How will you sum up the experience of being with Ankit Gupta in the Big Boss house? विद अंकित, थैंक गॉड अंकित वॉज देयर बिकॉज नो बडी लाइक मी. अंकित वॉज ओनली देयर, हु वॉज देयर विद मी लाइक ऑल द टाइम. कोई भी सिचुएशन हो ही वॉज ऑलवेज देयर. ही वॉज लाइक माई पिलर. सो येस ही इज लाइक ही वॉज माई पिलर इन बिग बॉस हाउस. शिव ठाकरे, सो शिव ठाकरे, वी हैड अ बॉन्ड ऑफ टशनबाजी. बॉन्ड ऑफ टशनबाजी, अब्दू, अब्दू इज एन एंजल एंड आई लव्ड हिम एंड आई लव हिम. ही इज एन एंजल टू मी. लाइक वेन एवर आई क्राइड ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी. मैं खुश हूं तो वो आकर खुश होता था मेरे साथ. मैं चाहे हमारी बात इतनी ज्यादा ना होती हो, चाहे अलग ग्रुप्स में हो, बट अब्दू वॉज ऑलवेज देयर. ही इज अ स्वीट हार्ट. एमसी स्टैन, एमसी हैज अ वाइब डूड. ही हैज अ वाइब. ही इज लाइक समबडी हु इज वेरी कूल एंड वेरी रियल एंड आई लव रियल पीपल. सो एमसी स्टैन इज समबडी जिसके साथ मेरा इक्वेशन छेड़खानी का भी था, लड़ाई का भी था और ऐसा सा कुछ था अलग सा ही. एंड वी यूज टू एंजॉय इट अलॉट. योर ऑल टाइम फेवरेट फिल्म? ऑल टाइम फेवरेट फिल्म, आई हैव लाइक लॉट्स ऑफ फेवरेट फिल्म जो कि मैं बहुत बार देखती हूँ. कभी खुशी कभी गम कुछ कुछ होता है, मन मूवी मुझे बहुत पसंद है, मोहब्बतें बहुत पसंद है. ये सारी टिपिकल मूवीज जो है आई लव दीज मूवीज. फेवरेट योर फेवरेट फिल्म ऑफ राजकुमार हिरानी? फिल्म ऑफ राजकुमार हिरानी, थ्री इडियट्स. फेवरेट फिल्म ऑफ शाहरुख खान? फेवरेट फिल्म ऑफ शाहरुख खान, मतलब शाहरुख खान आई लव हिम, ही इज माई फेवरेट. तो उनकी कोई भी मूवी मेरी फेवरेट ही होगी. बट अगर मैं फिर भी बोलूँ तो अगेन मुझे वो कुछ कुछ होता है मैं बहुत अच्छे लगते हैं. मोहब्बतें में वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं. सो आई एम 90s वाली मूवीज का फैन. Who's your ultimate style icon? आई रियली लाइक सॉरी दिशा आदमी. शी इज लाइक वेरी कूल वाइब, मुझे बहुत पसंद है वो. What is your mantra in life, Priyanka? Stay positive, just go with the flow, enjoy your life. It's very easy. Don't make it complicated. It's fine. I mean, easy life rakho. Fantastic. Priyanka, thank you very much for talking to us, and congratulations once again for an amazing journey in the Big Boss house. And I'm sure that I think great things are going to be happening for you very soon. And congratulations once again. Thank you very much. Thank you, Faridun. Thank you so much.